के आपके वर्किंग कमेटी मजलिस मुंतजिमा का देवबंद में बड़ा जलसा हुआ, बड़ा पिंडाल उन्होंने बनाया हॉल। मुझे भी बुलाया, मेरे घर के बिल्कुल बराबर में था, कहा कि आओ तुम। मैंने कहा बहुत अच्छा, मुझसे कह लेके बोलो। मैं बोला और मैंने ये कहा कि आज ये जलसा जिसमें मुझे बुलाया गया है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर ये इतिहाद की निशानी भी बन जाए। वो तो सारा मजमा खड़ा हो गया एकदम, दो तीन मिनट तक नारे तकबीर अल्लाहु अकबर ही होता रहा। तो मैंने मौलाना महमूद साहब से कहा कि मेरी इस तजवीज को आपके 100% लोगों ने किस तरह उसका इस्तकबाल किया था, इसका मतलब ये है कि आपकी जमीयत के तमाम अरकान रुझान अलग होंगे, सब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद हो जाए, इन्हें मुत्तहिद होना चाहिए। खामोश हो गए। फिर मैंने कहा कि अच्छा तुम जो आप कह रहे हैं मुझे उसको सही तरीके पर दे दो। बहरहाल ये सब कुछ हुआ, लेकिन उनकी तरफ से माजरत हो गई। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप ये न समझे कि हमारी तरफ से उसमें कोई कोताही है, हम तो आखिरी उम्र है हमारी, 82 साल हमारी उम्र हो गई, खुदा जाने किस दिन चाहिए अगर खुलब भाई कह दे। समझ में नहीं आता, बैठते हैं तो उठा नहीं जाता, उठते हैं तो बैठने में परेशानी हो, ये चलना फिरना सब मुसीबत बन गया है। हम ये चाहते हैं दिलोजान से कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसी राह हो कि जिसमें इत्तेहाद की सूरत आ जाए। उनके सामने क्या मुश्किलात हैं, हमें याद नहीं है कि हम मुश्किलात के सिलसिले में उनसे पूछें, लेकिन बहरहाल बात यह है कि मेरा दामन पाक है बिल्कुल। मैं ये भी कहता हूं, मैंने ये बात परसों कही है कि भाई अगर ये रुकावट है कि आप मुझे ये कहें कि हम सदर बने, मेरे बखुदा कहता हूं तैयार हूं। आप बनिए, जमात को एक कर लीजिए, आप मुझे नायब सदर बनाते, मैं नायब सदर बन जाऊंगा। आप